मैं सर रविंद्र बलेरिया हूँ। ओके। मूल निवासी सर मैं झांसी के पास खेलार है ललितपुर रोड पे। ओके। वहाँ का हूँ। पिछले 22 वर्षों से सर मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। ओके। और मेरा तेल का व्यवसाय है मस्टर्ड ऑयल रिफाइंड ऑयल की मैं पैकिंग करता हूँ बोतल में तीनों में। ओके। और सर आपका अभी देखा था जो इसलिए मैंने आपको सर ग्रुप में जोड़ा है। और मैं महासभा में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ प्रेजेंट में। ओके। और 2022 में उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। वाह वाह बहुत बहुत एडवांस में आपको बधाइयाँ। मेरा बस छोटा सा परिचय है। मैं रविंद्र जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि अच्छी व्यवस्था देना किसी की प्राथमिकता नहीं है। जी जी ठीक है ना। और ये भी एक दुर्भाग्य का विषय है कि जिसको हम इंडिपेंडेंस कह रहे हैं वो इंडिपेंडेंस ना होके एक भौड़ी व्यवस्था जो है एज ए ट्रांसफर ऑफ पावर आपको दी गई। हाँ बिल्कुल राइट। जो इनकी जो वर्किंग कमेटी थी जिसमें 15 सदस्य थे और उसके अध्यक्ष को ही देश का प्रधानमंत्री बनना था जी। जब उसमें वोटिंग कराई गई तो सरदार पटेल को उसमें 12 वोट मिले और श्री कृपलानी जी को 2 वोट मिले और नेहरू जी को 0 वोट मिला। जब 0 वोट वाले को थोपा जाएगा तो एक चीज तो आप मानेंगे कि जो 0 वोट वाला व्यक्ति ना तो किसी के द्वारा पसंद किया गया और वो अपने मौनापन की जो एक भावना से हमेशा सफर करेगा। जी जी। क्योंकि वो हमेशा अपने आप को बौना पाएगा। बिल्कुल पाएगा। जब 0 है तो बौना पाएगा। और बौना व्यक्ति जो है अपने आसपास जो है अपने से बौने व्यक्तियों को ही पनपने देगा। हाँ बिल्कुल सही है। जब उसकी सोच ऐसी है वो चारों तरफ अपने भांड को पैदा करेगा जो उसकी स्तुति गान करे। और यही हुआ है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपकी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है भांडों ने जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया है जिसमें रोमेश थापर और ये सब लोग जो है ना ऐसे लोग जो है ना भी उसमें जुड़ी हुई हैं और जुड़े हुए हैं। इतिहासकारों ने आपका स्वर्णिम हिस्सा आपसे छुड़ा लिया है आपसे छिपा लिया है चीजों को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है लोगों की हत्या कर दी गई है बड़े बड़े जो है लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों को षड्यंत्र पूर्वक मार दिया गया है। और वो किसने मारा है ये अनुमान बहुत आसानी से लगाया जा सकता है क्योंकि इसमें ताशकंद में की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था जिसमें जिसमें एक खान सामा था जो कि वहां के एम्बेसडर मिस्टर कॉल से का जो है ना खान का वो था नौकर था। जी। इसका मतलब है कि मिस्टर कॉल की भूमिका जो है ना वो थी जो मिस्टर शास्त्री का जो खान सामा था उसको किडनैप किया गया और इस व्यक्ति को जो है ना वो रात को चूंकि खाना नहीं खाते थे दूध पीते थे चूंकि उन्होंने जो अमेरिका के व्यवहार के प्रति अपना रोष जाहिर किया था और यदि आपको याद हो तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लाया था और ये भी नारा लाया था कि हमें सप्ताह में एक दिन व्रत करना चाहिए जिससे कि हम खाद्यान्न को बचा सके। तो इस दुष्टता में तो लोगों को मार दिया गया। इस दुष्टता में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उनको भी षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी गई जम्मू एंड कश्मीर में ले जाके। तो ये बौने चरित्र के लोगों ने चारों तरफ बौनी व्यवस्था पैदा की है। हाँ बिल्कुल। मैं आप जो बात कह रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। यही अपनी समाज में भी हो रहा है। हाँ अपने नहीं नहीं जो सह वही तो परोसेंगे ना। हाँ वो और इतना हो रहा है भाई साहब। मैं तो आज आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ। मैं तो करता रहता हूँ काम वाम। अभी मैंने 4 दिन पहले लखनऊ में गेस्ट हाउस के भूमि पूजन किया गौरी समाज का। हाँ हाँ लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पे मेरा 4 स्क्वायर। मेरा रविंद्र जी आपसे कहना ये है कि अब कहने का समय खत्म हो गया है। अब करने का समय आया है। हाँ। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो कोई कॉस्मिक शक्ति करा रही है। हाँ बिल्कुल करा रही है। ठीक है ना। और वो अपना पूरा मॉडल दे रही है। ये मॉडल कह रहा है कि हमने कॉस्ट पर विजय पा ली है और करेंसी पे विजय पा ली है।
जब कॉस्ट और करेंसी पे आपने विजय पा ली है तो चारों तरफ आप धन धान्य पैदा कर पाएंगे, आप खेती से केमिकल को विलोपित कर पाएंगे, उसे पूर्णतया ऑर्गेनिक बना पाएंगे, और जो ऑर्गेनिक है वो बहुत शक्तिशाली ऑर्गेनिक होगा। ये जो सामान आप जो है गोबर की खाद या घूरे की खाद जिसको अपन पहले पॉपुलरली कहते रहे हैं, वो जो है हाँ ना वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। उस गोबर की खाद में जो है जो गोबर रहेगा वो भी अमृत तुल्य हो जाएगा, क्योंकि हाँ जो बिल्कुल गाय बात जो है। जो गायें हैं उनको एक माता का जो है प्यार दिया जाएगा, माता का एनवायरमेंट दिया जाएगा, उसमें जो है वैदिक मंत्रों का जो है ना उच्चारण होगा, वहां पर दिन में 3 बार जो है हवन होगा, उनका उनके नहलाने की व्यवस्था होगी, उनकी मसाजिंग की व्यवस्था होगी, और ये सब जो है बहुत मशीनरी और इक्विपमेंट का सहारा लेके किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों जी के जी जी चरित्र में तो दोगलापन आ गया है, तो हमको जो भी काम दिया जाएगा उसे हम सिंसियरली नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात है। तो जो जो गोबर होगा, जो मूत्र होगा, जो दूध होगा, वो अमृत तुल्य होगा, और उसमें फिर जो है अर्थवर्म, उससे जो है ना पहले गोबर गैस प्लांट से जो है ना मीथेन ईथेन बनाई जाएगी और सीएनजी बनाई जाएगी, इसके बाद बाहर निकलने के बाद उसमें अर्थवर्म को डाला जाएगा, कुछ समय उसको और दिया जाएगा, उसमें जो है माइक्रोब्स को डाला जाएगा, उसमें अल्गी को डाला जाएगा, और जिस जगह की मिट्टी के लिए वो खाद जाने वाली है उस मिट्टी की सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से ये मालूम किया जाएगा कि क्या क्या कमी है उसमें, राइट? तो वो खाद में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाल दिए जाएंगे जिससे एक समग्र खाद जो है वो पहुंचेगी। यहाँ केमिकल विलोपित हो जाएंगे जिसके कारण आपकी सॉइल जो है ना पॉइजनस हो रही है, आपका अंडरग्राउंड वाटर जो है ना पॉल्यूट हो रहा है, और वो एवोपरेट होके बादल में जा रहा है, तो एसिड रेन हो रही है। और जो हमारी दुष्टता है जो कि हम सब जगह हार्मोन्स दे रहे हैं छोटा सा लाभ कमाने के लिए, तो पहले तो हम लोग जर्सी गाय, अपनी देसी गाय को भूल के जर्सी गाय को ले आए। हाँ गाय 20 लीटर चाहिए, 25 लीटर चाहिए। अच्छा, जर्सी गाय का जो मिल्क है वो अल्फा वन वेराइटी का होता है, और देसी गाय का मिल्क जो है वो अल्फा टू वेराइटी का होता है, और अल्फा टू मिल्क जो है वो अमृत तुल्य है, और अल्फा वन मिल्क जो है ना कार्सिनजनक है, वो बहुत हानिकारक है, राइट? अब जो है हमारी आत्मा उससे भी शांत नहीं हुई, तो हमने उसमें हार्मोनल इंजेक्शन लगा दिए, तो गाय को भी लगा दिए, भैंस को भी लगा दिए, बकरियों को लगा दिए, राइट? फिर भी हमारी आत्मा शांत नहीं हुई, तो हमने मुर्गियों को भी लगा दिए, तो अंडे भी विषाक्त हो गए, राइट? फिर भी हमारी आत्मा शांत नहीं, तो हमने फलों और सब्जियों को भी लगा दिए। फिर जो है हमारे दुष्ट बिल्कुल सर, डॉक्टरों बिल्कुल ने, आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप ये देखिए, हमारे दुष्ट डॉक्टर ने आपको वो केमिकल्स दिए जिनको जरूरत ही नहीं है, चाहे एंटीबायोटिक के फॉर्मेट में हो, तो दवाइयां बेचना उनका धर्म है, राइट? और दवाइयां बहुत महंगी बेचना उनका धर्म है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना 25 पैसे होती है, और वो 10 रुपए में और 100 रुपए में बेच रहे। इसी बात को तो लेके पूरे ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर रामदेव बाबा से नहीं मिल पाए थे अभी 6 महीने पहले, इसी बात को लेके, क्योंकि हाँ, तो ये कहीं ना कहीं वो लूट रहे हैं, तो इसीलिए बाबा रामदेव हिंदुस्तान में अकेला था और पूरे डॉक्टर एक तरफ हो गए थे, फिर भी उसका कुछ नहीं कर पाए। उसके साथ साथ जो है ना उनका चरित्र दोगला है ना। देखिए, हाँ चरित्र इसलिए दोगला है कि जिस एलोपैथी को आप विदेश से लेके आए हैं वहां पर इतनी आसानी से एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, फिर आप भर भर के एंटीबायोटिक क्यों दिए? जब जो है ना वायरस जो है एंटीबायोटिक से नहीं मरता है, तो आपने कोरोना के इलाज में भर भर के एंटीबायोटिक क्यों दिए, और ऐसे खतरनाक एंटीबायोटिक क्यों दिए जिससे किसी कुछ में जो है ना सुसाइडल टेंडेंसी आती है, कुछ में डिप्रेशन आती है, इतने महीने बीतने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग अभी भी डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी से सफर कर रहे हैं। तो इन लोगों के ऊपर तो जो जो कहते थे कि ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर, ये डॉक्टर तो हैवान हो गए हैं। हाँ एवान हो गए, बिल्कुल हो गए सर, वो अपने छोटे से लाभ के लिए आपकी ऐसी कम तैसी करने में उन्हें कोई लज्जा नहीं बिल्कुल आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शरीर से भी आपके और पैसे से भी और शरीर से भी। हाँ, और वो ना आपको कुछ समझाना चाहते हैं, यदि आप कहीं से किसी से पूछ के सेकंड ओपिनियन से या गूगल से कुछ जानकारी लें, तो वो बड़ा बुरी तरह से मुंह बनाते हैं, कहते हैं गूगल से हाँ जाके बिल्कुल इलाज हाँ करा, हाँ हाँ गूगल हाँ से ही हाँ इलाज करा लीजिए, राइट?
तो आने वाला इलाज जो है ना गूगल चाहे ना करे, लेकिन सीएफ भी जरूर करे। हम जो है पूरे भारत को, हर नागरिक को स्वास्थ्य बांटेंगे। ये आप अपना, ये अपना अपराध मुक्त, आप अपना ये क्या है इसमें आपका मामला? एक एक है अपराध मुक्त भारत की 5 स्ट्रीम है। जो पहली स्ट्रीम कहती है कि बिना थाने जाए आपकी लीगली एक्सेप्टेबल FIR लिखी जाएगी डिजिटल सिस्टम से। दूसरा कहता है कि सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर का बैक इंजन मदद करेगा, तो वो 100% ऑफेंसेस को डिटेक्ट कर पाएगा और इविडेंस भी इस तरीके से कलेक्ट हो पाएंगे जो सभी कोर्ट में एडमिसिबल होंगे। आज जो है 90% जो जो पुलिस काम करती है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, या इट कैन बी यूज ओनली फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन बट नॉट फॉर करोबरेशन। तो सीएफबी जो है कहाँ पे साक्ष्य हो सकते हैं ये भी पुलिस वाले को बताएगा, उन साक्ष्यों को संकलन करके डेट टाइम लोकेशन और हैश वैल्यू के साथ प्रोटेक्ट करके उन्हें इनफेलिबल बना देगा। साथ में ही जो है उसमें साथ में ही उनका वो भी कर देगा, बेसिकली 3 सर्टिफिकेट भी पैदा करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी। तो ये इविडेंस के कानून के किस धारा के तहत एडमिसिबल है ये सर्टिफिकेट पैदा किया जाएगा, जिससे कि जो है वकील लोग जो है ना कोर्ट में गेम ना खेले। फिर जो है एक दूसरा सर्टिफिकेट रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी। तो जहां जहां वो मूवमेंट हुआ है उसका, वो हर स्टेज पे सर्टिफिकेट क्रिएट करेगा कि इस जो है ना इविडेंस से कोई छेड़खानी नहीं हुई है, और ऐसे ही चेन ऑफ कस्टडी क्रिएट करेगा। तो जो वकील अपनी अभी सात्रता के कारण जो है चिल्ला के और उसके जो है ना बहुत सारे अच्छे इविडेंस को डिस्प्यूटेड करके जो है ना संदेह पैदा कर देता है, या कुछ फर्जी इविडेंस क्रिएट कर देता है, तो फर्जी इविडेंस को सिस्टम पकड़ लेगा और असली इविडेंस को खराब नहीं करने देगा। तो जो है 100% केस विथ इनफेलिबल इविडेंस जो है डिटेक्ट हो पाएंगे आने वाले समय में। फिर जो है ना तीसरी सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन। तो वर्तमान सिस्टम में तो अभी 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, तो इसमें हमने जो है आउट ऑफ बॉक्स इसका एक सॉल्यूशन निकाला है और हम 15 दिन में सजा दिलाएंगे। अच्छा, और जो 4 करोड़ केस पेंडिंग है उनको 2 साल में उनको भी डिस्पोज ऑफ कर देंगे। फिर जो है, फिर जो इसकी फोर्थ स्ट्रेटेजी है कि हम इतने सारे जो है ना, आप सब लोग जो है ना सीएफबी के सदस्य होंगे, सब अच्छे लोग, और उनके ऐप के माध्यम से जो भी एविडेंस और कैप्चर करना होगा या हमें कुछ वेरीफाई करना होगा तो वो हम पब्लिक के माध्यम से करा लेंगे, और पब्लिक के ऑनरशिप में ढेर सारे जो है वो IoT डिवाइसेस और CCTV रहेंगे, और उनके डिवाइसेस जो चीज कैप्चर करेंगे उसकी 50% कंपाउंडिंग फीस उनको मिलेगी। तो इन इन डिवाइसेस की जो कीमत है वो 3 महीने से 6 महीने में जो है ना निकल आएगी। इसके बाद जो भी डिवाइस आप लगा रहे हैं वो शुद्ध आपके लिए आय का जरिया बनेगा। तो चूंकि वो शुद्ध आय का जरिया बनेगा तो जो है ना रविंद्र जी हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 700 पॉइंट हमको दे दीजिए। इसका मतलब है जहां पे भी हमें कैप्चरिंग ऑफ इविडेंस चाहिए वहां पर बिना सरकारी पैसा खर्च किए हम इविडेंस कैप्चर कर पाएंगे और उस इविडेंस को इनफेलिबल बना पाएंगे। तो हमारे सिस्टम में इतनी जानकारी होगी कि हमें ये मालूम होगा कि ये क्रिमिनल जब हंसता है तो कैसे हंसता है, जब ये नाराज होता है तो कैसे नाराज होता है, जब ये हिंसा करना चाहता तो इसके भाव कैसे होते हैं, चलता कैसे है, इसके साथ में कौन है, ये अपराध कब कब करने जाता है, और उनके आधार पर ये सेंस कर पाएंगे कि अब ये व्यक्ति अपराध करने निकल रहा है। और हमारी इंटरवेंशन प्रोसेस कम से कम 80-90% केसेस में विद सर्टेनिटी उसे अपराध करने के पहले पकड़ लेगी, ठीक है ना। 10-20% जहां पे वो नहीं पकड़ पाएंगे वहां पे सिस्टम फुर्ती से कॉग्निजेंस लेगा, क्योंकि पुलिस के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं है कॉग्निजेंस के लिए, और फुर्ती से जो है ना उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगा। 3 से 7 दिन के अंदर सभी प्रकरणों में एविडेंस कंप्लीट हो जाएंगे, और जो जैसे जहां से जो एविडेंस नहीं दे रहे हैं उनके यहाँ पे छापे पड़ जाएंगे, और वो सीएफबी बैकएंड इंजन सपोर्ट करेगा सिस्टम को ये करने के लिए। तो 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 जो है पहले तो हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे और फिर जो है ना हम प्रिडिक्ट करके प्रिवेंट कर पाएंगे, लिहाजा इंसेंटिव टू कमिट क्राइम बैनिश हो जाएगा। अब लोग जो है सिर्फ इसलिए क्राइम करेंगे कि उनका पेट खाली है और उन्हें लग रहा है कि जेल जो है बाहर से अच्छी है,
वहाँ पे खाना भी ठीक ठाक मिल जाता है, छत भी मिल जाती है, इलाज भी मिल जाता है, खेलने को भी मिल जाता है, टीवी भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसे लोगों को जेल जाना एक इंसेंटिव ना रहे तो उनको, क्योंकि उनके बारे में आपको सब कुछ मालूम है, तो उन्हें आइडेंटिफाई करके रिहैबिलिटेट करके उन्हें सज्जन बना दिया जाएगा। तो जब सब लोग सज्जन बन जाएंगे तो अपराध करने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो अपराध करेंगे तो सर्टेनिटी के साथ 15 दिन के अंदर वो जेल में पहुंच जाएंगे, तो लोग अपराध नहीं करना चाहेंगे। और इसमें जो है इविडेंस कैप्चरिंग वो पब्लिक के एंड पे चली जाएगी, जिसमें कि उन्हें बहुत ढेर सारी रेवेन्यू मिलेगी और सरकार को ढेर सारी रेवेन्यू मिलेगी, उसे डेवलपमेंट के लिए टैक्सेशन पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो हम जो है टैक्सेशन को जो अभी 30% है उसको 20%, फिर 10%, फिर 5%, फिर 2%, और यदि चाहेंगे तो 1% पे भी ले जाएंगे, और ये टैक्सेशन को जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग के लिए जो है ना 1% का टैक्स रखेंगे, और उस समय का 1% टैक्स जो है आज के टैक्स से ज्यादा होगा, मतलब इतना उसका टैक्स का कलेक्शन भी आज के कलेक्शन से ज्यादा होगा। आप बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब अभी हम 20% कुछ लोगों से ले रहे हैं, फिर 1% जो है ना 20 times लोगों से लेंगे, तो आज के कलेक्शन के तो ऊपर ही रहेगा वो। हाँ, वो एक ही बात है, सही समझ जाते हो, ठीक है ना। तो इसमें जो है समन्स वारंट का जो एग्जीक्यूशन है वो भी जो है CFB का सिस्टम करेगा। इसमें जो इविडेंस कैप्चरिंग है वो लार्जली विल बी डन बाय द CFB वॉलंटियर, CFB IoT डिवाइसेस, CFB CCTV, और ये सब चीजें जो है ना विल बी ओन्ड बाय द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक को धन बांटना है। और इस अकेले जो है ना मॉडल से हम इतने धन पैदा कर पाएंगे कि सरकार को टैक्सेशन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात, एक चीज अभी हमने आपको कही, वो क्राइम फ्री भारत का क्राइम प्रिवेंशन एंड जस्टिस मॉडल है।